नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डी टी प्लस बी टी जी टी के बारे में। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि डी टी प्लस बी टी जी टी के फॉर्म आपके जनवरी मिड में आपको देखने को मिलेंगे, और देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये ट्रू भी हो गया है। अब इसके साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पी आर टी वैकेंसी कब आएगी, उसी में आपको स्टीक जानकारी देंगे। इसके साथ ही फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, कितने पद आए, जनरल के कितने पद है, एस सी एस टी के कितने पद हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फीमेल को एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर सीटेट अपीयरिंग वाले जो भी सीटेट का पेपर देंगे ना अभी 21 जनवरी को, उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इस भर्ती में। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट दूंगा ऑथेंटिक डाटा के साथ। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक, और कब तक आपको एग्जाम हो सकता है एग्जैक्टली, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें डी ट्रिपल एस बी 2024, आपको पता है कि शॉर्ट नोटिस जारी हुआ टीजीटी एंड ड्रॉइंग के लिए। ये शॉर्ट नोटिस है, मतलब ये कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है कि किसी क्या योग्यता क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर हम आपको योग्यता बताएंगे क्या क्या डी ट्रिपल एस बी में होती है। तो बात करें सबसे पहले हम कि कितने पद आए हैं, तो आपका जो कुल पद है वह है 5118, यानी 5118 पद आपके टीजीटी के आए हैं, ड्रॉइंग के अलग है, ठीक। इसकी बात करें फिर यू आर अंडर रिजर्व यानी जनरल वाले, इसके कितने पद है, 2897 पद हैं। ओबीसी के 724 पद हैं, आपके एससी के कितने हैं, 507 पद हैं, और एसटी के कितने हैं, 846 पद हैं। आगे बात करें ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस के 144 पद हैं। तो देखिए बहुत अच्छे पद देखने को मिलेंगे, एससी एसटी के भी बहुत अच्छे पद हैं, 507, एसटी 846, जनरल की बहुत सीटें हैं, 2897 बहुत सीटें बैठती है जनरल के हिसाब से, और कुल आपके पद कितने हो गए, 5118, ठीक। अब बात करते हैं इसमें एडवर्टाइज नंबर क्या है, इसकी योग्यता क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो एडवर्टाइज नंबर आपका है 2/2024 के नाम से है ये, और आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, आपके 8 फरवरी से, ये एग्जाम ये डेट है तो आप ध्यान में रखना, आवेदन आपके 8 फरवरी से शुरू होंगे 8 मार्च तक, यानी कि एक महीना आपके आवेदन चलेंगे, 8 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। डी ट्रिपल एस बी की साइट होती है dtrippleonline.nic.in, ऐसी, ठीक है। योग्यता क्या चाहिए इसमें, योग्यता आपके पास एक तो क्या हो, स्नातक हो यानी ग्रेजुएशन, साथ साथ आपके पास हो क्या हो, बी एड हो, और ध्यान देना सी एट टैट का पेपर सेकेंड, सीटेट का पेपर फर्स्ट नहीं चलेगा इसमें, सीटेट का पेपर सेकंड। अगर किसी ने बीटीसी कर रखी हो तो हम बता दें आपको, बीटीसी या डेलेड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हो आप, ठीक है। सी फोर सी आपके पास स्नातक होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, साथ ही सीटेट पेपर सेकंड। अब आपको बताते हैं कि सीटेट में आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक। तो बात करें जनरल कैटेगरी की, ठीक है, जनरल कैटेगरी कितने नंबर चाहिए, 90 मार्क्स, जो दिल्ली में आते हैं जनरल कैटेगरी है उनको 90 मार्क्स चाहिए। हम अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में कितने नंबर चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं ओबीसी दिल्ली, यानी जो दिल्ली में रहने और क्या ओबीसी है उनको कितने चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं ओबीसी अदर स्टेट की, उनको कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, कितने, 90। और बात करते हैं ऑल इंडिया एससी एसटी, उनको चाहिए 82 मार्क्स। तो देख ध्यान देना यहाँ पे, जो जनरल है ये जो अदर स्टेट वाले होते हैं वे सारे जनरल में ही काउंट होते हैं, समझ गए ना, चाहे एस सी ओबीसी हो कुछ भी हो, वे आपके इसमें काउंट होते हैं, आपके काउंट होते हैं जनरल में। तो आपको 90 मार्क्स, जिसके सीटेट में 90 मार्क्स हो वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, ठीक। तो फिर ओबीसी एससी एसटी कौन से माने जाएंगे दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, जिनके पास सर्टिफिकेट है दिल्ली ओबीसी का, तो ओबीसी दिल्ली उनको 82 मार्क्स चाहिए सीटेट में, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स। और ओबीसी अदर स्टेट है तो उनको 90 ही मार्क्स चाहिए, ध्यान देना। देखो मैंने जो बताया कि ओबीसी अदर स्टेट के भी जनरल में अकाउंट होते हैं, और ऑल इंडिया एससी एसटी है जो, ठीक है, उनको कितना चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए सीटेट के अंदर। अब क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया सीटेट में कितना नंबर आपको चाहिए, ठीक। क्वेश्चन आता है सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको बता दें सीटेट का आपको एग्जाम होगा 21 तारीख को, फॉर्म आपके शुरू होंगे 8 फरवरी से, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है ये 8 मार्च से पहले आपको रिजल्ट दे देंगे, 100% दे देंगे, ठीक है। आपको इन जो सीटेट अपीयरिंग वाले सीटेट दे रहे हैं ना, अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, आपको तुरंत भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, आपको रिजल्ट पहले जारी कर देंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो आसान से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीटेट अपीयरिंग वालों को इसमें मौका मिलेगा, रिजल्ट 100% ही पहले जारी करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न है क्या, तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूं, एग्जाम दो पार्ट में होता है, 200 आपके जो कुल अंक है, कुल अंक आपके 200 होते हैं, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है आपका, आपका सेक्शन खुलेगा हिंदी इंग्लिश मैथ जीएस और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं और सारे 20-20 नंबर के होते हैं, और 20-20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। एक ध्यान देना, अगर आपने हिंदी का पोर्शन खोल लिया इसमें, ठीक है, हिंदी क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आपने सोचा कि मुझे 10वां क्वेश्चन नहीं आता, 12वां नहीं आता, 13वां नहीं आता, ठीक है, और आपने कर लिया, आपने सोचा मैं बाद में करूंगा इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों से रह गए, और आप नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश पर चले गए, तो आपका जो हिंदी वाला था ना वो लॉक हो जाएगा, समझ गए ना, आपका हिंदी वाला पोर्शन लॉक हो जाएगा, दोबारा खुलेगा नहीं। तो अगर आपने हिंदी ओपन किया तो आपको हिंदी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आप दोबारा नहीं बैक नहीं जा सकते उस पर, समझ गए ना, आप छोड़े करो तो आपकी जिम्मेदारी, देखो आपकी टेंशन है, लेकिन अगर आपने हिंदी खोले तो हिंदी सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे एक ही बार में, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आप बात करते हैं पार्ट बी की, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका आएगा 80 नंबर का, जैसे नेचुरल साइंस है किसी की तो उसमें साइंस आएगी 80 नंबर की, मैथ है तो मैथ आएगा 80 नंबर का, ठीक, ऐसे ही बात करें फिर पैडागोजी भी आएगी उसमें 20 नंबर की। तो जो आपका पार्ट बी है उसमें भी 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं,
अस्सी तो आपका सब्जेक्ट हो गया, मैथ साइंस एसएसटी जो भी जिसका हो, ठीक, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, और पैडागोजी आपकी 20 नंबर की आएगी, सब्जेक्ट की पैडागोजी भी आएगी कि मतलब कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को ये सब, ठीक। अब बात करें समय की, समय कितना इसका 2 घंटे 120 मिनट होती है, नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है इसमें 1/4 की। सबसे बड़े इसमें तो टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पेपर कंप्लीट लास्ट तक बहुत ही कम बच्चे होते हैं पहुंच पाते हैं, ठीक। और आपको दोनों पोर्शन में, इस पोर्शन में 40% नंबर चाहिए, इसमें 40% नंबर चाहिए, अगर आपके दोनों इसमें 40% नहीं आए तो आपके मान लो इसमें 40% आ गए, ठीक है, ये इसमें 40% नहीं आया तो सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, समझ गए ना, यानी दोनों में 40% पेपर 40% नंबर आने जरूरी है तभी आपके पेपर चेक होगा, चेक नहीं होगा, ठीक है। बात करते कुल अंक 200 अंक के थे, ठीक है, 200 नंबर हमने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब बात करते हैं कि पीआरटी की वैकेंसी कब तक आ सकती है, हमने पुरानी वीडियो में अपनी डिस्कस कर रहा है कि हमने पहले बताया था भाई, हमने आपको बताई थी कि कल रखी स्टैनो की कब वैकेंसी आएगी, उसी एग्जैक्ट डेट में आई थी, ऐसे टीजीटी वैकेंसी आई है, ऐसे पीआरटी की वैकेंसी की बात करते हैं तो आपकी फरवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, समझ गए ना, वैकेंसी आए ना आए नोटिफिकेशन मतलब जैसे शॉर्ट नोटिस आया ना ये, ऐसे पीआरटी का आपको फरवरी में, फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक यानी मिडवे में आपको देखने को मिल जाएगा फरवरी में पीआरटी का नोटिफिकेशन। आगे बात करते हैं फीमेल एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 100% आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, टेंशन लीजिए, एक बार फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए और खुद देख लेना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल को, जो टेंशन फ्री हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं कि ये टीजीटी का जो एग्जाम है कब तक होने के चांसेस है, तो कितना भी जोर लगा लो डीटीपीएससी बोर्ड कोई भी लगा लो, ये कभी बिल्कुल भी जो है आपका इलेक्शन आए ना इलेक्शन से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, इलेक्शन के बाद, ठीक है, इलेक्शन आएगा बीच में, इलेक्शन के बाद लगभग वही है 1-2 महीने कुल मिलाकर आपके, मान लो आपके पास 3-4 या 5 महीने बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे नोटिफिकेशन निकालने के बाद, जब से आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे ना, 3-4 या मैक्सिमम 5 महीने से ऊपर बात नहीं जाएगी, हालांकि तो 3-4 महीने देंगे बस आपको कुल, ठीक। तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए, हमने अलग अलग कि आपको पार्ट ए की तैयारी कैसे करनी है अलग से वीडियो बना रखे बिना किसी पेड कोर्स के, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके चूल्हा तो आप ले लो भाई पेड कोर्स, आपके पास ज़्यादा पैसे है तो फूक लो, ठीक है, उससे अच्छा उन पैसों जिसके कोर्स खरीदे बुक ले आओ, उससे प्रैक्टिस करो, हमने बुक भी बता रखे आपको कौन कौन सी लेनी है, हमने पार्ट सी की बता रखे फ्री आप कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट बी में भी हमने बता रखे आपको पार्ट बी में कैसे कहाँ से किस तरीके से तैयारी करनी है, आपका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होगा, किसी के पेड कोर्स से नहीं होगा, पेड कोर्स अब लोगों ने बेचने शुरू कर दिए होंगे, जैसे नोटिफिकेशन आया ना तुरंत एक बैनर बनवा दिया होगा कि हाँ इतने पेड कोर्स, मतलब ये डिटेल बाद में बताई होगी आपको, यूट्यूबर और भी है, ठीक है, ये डिटेल बाद में बताई, जो बड़े बड़े चैनल है जो कोर्स बेचते हैं ये डिटेल बाद में बताते, पहले कोई हमारे कोर्स इतने का आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, क्यों हो जाएगा 100% भाई, 1 लाख बच्चे एडमिशन लेते तो हमारा 1 लाख तो हो गया सारों का, तो ऐसा नहीं होता भाई, फिर सेल्फ सेलेक्ट आपके सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा, ठीक है, हमने मैंने बता रखा है बिल्कुल बेसिक से कहाँ से आपको तैयारी करनी है पार्ट ए की पार्ट बी की भी, वहाँ एक बार उनको फॉलो तो कीजिए, आप किसी पेड कोर्स से आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमसे जो हेल्प बनती है, हमने पूरा पूरा डी ट्रिपल एस बी सिलेक्शन बैच के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है, उस पर हम आपको पूरा पूरा पेड कोर्स फ्री दे रहे हैं पार्ट ए का, और पार्ट बी के भी जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, उन्हें पहले से पता है हम कितनी हेल्प करते हैं, जो हमसे बन पता है उतनी करते हैं, हमने पार्ट ए पार्ट बी दोनों के फ्री कोर्स दे रखे हैं और आगे भी डालते रहेंगे, जो नोट्स है बेस्ट बेस्ट कोचिंग के आपको मिलते रहेंगे फ्री कोर्स, तो पेड कोर्स के चक्कर मत पड़ना। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द, जय हिंद जय भारत।